मॉर्निंग, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा प्रॉक्टर केयर क्लिनिक स्पेयर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगा आपसे, कॉन्स्टिपेशन। हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में 22% लोगों को टोटल पॉपुलेशन का कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिसमें सिर्फ 13% वो लोग हैं जिनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और जो कुछ ना कुछ इधर उधर से घरेलू इलाज इस तरह के इलाज करते रहते हैं। 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल जो है, जो कि बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर इनकी एज है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब सब अलग, सब लोग अलग अलग आते हैं, सबको लगता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हम अगर स्टूल बहुत हार्ड जा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है, या दो तीन दिन एक बार जा रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन। ना, इसकी करेक्ट डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन कैरेक्टराइज बाय इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स एंड स्टूल पैसेज, हार्ड स्टूल पैसेज फॉर एटलीस्ट टू और थ्री टाइम्स इन लास्ट थ्री मंथ्स, ये करेक्ट इसकी डेफिनेशन है। या फिर ये इन दोनों में से, मतलब कि इनफ्रीक्वेंट स्टूल का पास करना हो, या हार्ड स्टूल पास कर रहे हैं आप, या आपको बहुत फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स आ रहे हैं, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सभी कॉन्स्टिपेशन के ही लक्षण है और ये कॉन्स्टिपेशन के करेक्ट डेफिनेशन है।